हेलो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर टू के एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, इसमें सबसे पहले टॉपिक हम ले रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ठीक है। तो देखो, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जो नेचर में कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं ना, जैसे ग्रेविटी फोर्स हुआ, ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स हुआ, ठीक है, तो उनके साथ में जो कंजर्वेटिव फोर्सेज है ना, उनके एसोसिएटेड होती है एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू कॉन्फिग्रेशन, मतलब उनके जो कॉन्फिग्रेशन होते हैं ना, उसके हिसाब से एक पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड होती है। ठीक है, देखो इसमें न्यूमेरिकल दे रखा है एक्सरसाइज 2.19। इफ वन ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ H2 मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड, वी गेट ए हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर आयन H2 पॉजिटिव। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ H2 पॉजिटिव द टू प्रोटॉन्स आर सेपरेटेड बाय रफली 1.5 एंगस्ट्रॉम। देखो, ग्राउंड स्टेट में कह रहा है कि दो प्रोटोन कितने डिस्टेंस पे है, एक्चुअली 1.5 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10 to power 10 होता, -10 होता पावर। ठीक है, ये हो गया, क्लियर। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन तो रिमूव होगा, एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। ठीक है, वो कह रहा है कि यहां दोनों प्रोटॉन से 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस दूरी है। ठीक है, तो यहां पे हो सकता है क्या? अगर मैं यहां पे सपोज करो, यहां पे कोई 1 एंगस्ट्रॉम लेता हूं, तो यहां से इस प्रोटॉन से तो ज्यादा हो जाएगा ना, और अगर यहां पे भी लेता हूं तो सपोज करो, देखिए यहां पे ले लिया, तो ये 1 एंगस्ट्रॉम हो गया, ये बचा हुआ 0.5 एंगस्ट्रॉम हुआ। ठीक है, तो बची हुई दो ही लोकेशन है, एक कभी तो या तो यहां पे लो, ये यहां पे लो, ठीक है, इसी के परपेंडिकुलर कहीं होगा। तो सपोज करो यहां पे प्रोटॉन है, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रॉन है, और इसमें जो डिस्टेंस है वो 1 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम, और ये भी क्या है, 1 एंगस्ट्रॉम। प्रोटॉन पे चार्ज आपको पता है 1.6 × 10⁻¹⁹ होता है, और इस पे प्रोटॉन पे चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ठीक, कूलम, क्लियर होगा। इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, और इसको 3 दे दो। ठीक है, मैंने अभी बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर एक कंजर्वेटिव फोर्सेज, तो उनके साथ में एक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कॉन्फिगरेशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, तो एक्चुअली में हम क्या निकाल सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। देखो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है यू बी डेल्टा यू इक्वल टू यू बी माइनस यू बी यू ए। ठीक है, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, देखो ये कोई चार्ज है, ठीक है, तो पहले ये पोजीशन थी और फिर ये पोजीशन आ गई, मतलब पहले फर्स्ट ये पोजीशन थी फिर यहां पे आ गया। ठीक है, तो इसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी, होती है 1/4πε0 Q1 Q2 1/RB − 1/RA। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम, कन्वीनियंट वे के लिए हम क्या चूज करते हैं, कोई एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। ठीक है, और उस रेफरेंस पॉइंट पे हम कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है। ठीक है, और तो वो कन्वीनियंट वे के लिए क्या करते हैं कि जो रेफरेंस पॉइंट चूज कर रहे हैं हम, वो इन्फिनिटी पे चूज करते हैं। ठीक है, तो देखो अब अगर इन्फिनिटी पे चूज करेंगे तो देखो कैसे निकल जाएगी, यू पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, ये रेफरेंस पॉइंट ए चूज कर लिया जो इन्फिनिटी पे, ठीक है, और ये पॉइंट आर, मतलब बी है ना, पॉइंट आर डिस्टेंस पे है, तो क्यू वन क्यू टू कितना हो गया, 1/4πε0 1/RB। ठीक है, माइनस 1/4 रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो इन्फिनिटी पे चूज करने के कारण ये क्या हो जाता है, ये टर्म 1/∞ कितना होगा, जीरो होगा ना, तो ये क्या टर्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, और बचेगा ओनली ये। ठीक है, तो इसी कारण जैसे ये इन्फिनिटी पे, इस ये हम क्या चूज कर रहे हैं, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी पे कितनी हो जाएगी, यू आर इक्वल टू क्यू वन क्यू टू इक्वल टू जीरो हो गई नहीं ये, तो क्यू वन क्यू टू 4π ε0 1/R, ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालने का तरीका। तो स्पेसिफाई योर चॉइस ऑफ द जीरो पोटेंशियल एनर्जी, तो आप समझ में क्या, कहां पे रेफरेंस पॉइंट कहां चूज किए हम, इनफिनिटी पे चूज किए हैं, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी हम क्या करें किए, जीरो है। तो इसके लिए देखो, इसमें आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वाले पहले चैप्टर में पढ़ा होगा, यहां पे भी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वैलिड होता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसको रब कर रहा हूं मैं, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, प्रिंसिपल सुपरपोजिशन क्या होता है कि हम जैसे अलग अलग, जैसे ये दो कोई चार्जेज है तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लोगे। ठीक है, तो हम ऐसे एज्यूम करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में कि अब ये दोनों की निकलेगी, फिर इसको इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इन दोनों की प्लस और फिर इन दोनों की, इन दोनों की। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी देखो सिस्टम की कैसे निकालोगे,
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दीज पार्टिकल, मतलब फर्स्ट टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू थ्री प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन थर्ड, ठीक है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगी, ठीक है। तो टोटल इसमें फॉर्मूले, अभी जो फॉर्मूला बताया था इसमें कैसे निकलोगे, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन, देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर और माइनस, ठीक है, डायरेक्टली लिख रहा हूं, ठीक है। और आर डिस्टेंस कितना, 1 एंगस्ट्रो, तो 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 10, क्लियर हो गया। अब इसकी निकालो प्लस, देखो 2 और 3 मतलब 2 और 3, तो ये पॉजिटिव वो नेगेटिव, मतलब नेगेटिव लगा दूंगा मैं, माइनस 1 अपॉन 4 बाय एप्सिलॉन इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय कितना डिस्टेंस है, 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 एंगस्ट्रोम है, तो 10 टू पावर माइनस 10 से वो कर देना, क्लियर। प्लस देखो ये दोनों प्लस है ना, तो प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस कितना दे रखा है इसमें, 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 10, क्लियर हो गया। अब दो माइनस हो गए, ये प्लस हो गया, क्लियर। अब इसको देखो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है आपको पता है 9 इंटू 10 टू पावर 9 होती है, क्लियर, ठीक है। तो अब इसको सोल्व कर लेना आप, ठीक है। और इसमें क्या है, जो आंसर आ रहा ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है, और ये पूछ भी रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है, जो आंसर आ रहा है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करना, जो भी आया ना ये वैल्यू, ठीक है, उसको डिवाइड कर देना 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 से, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, ठीक है। तो ये जो आंसर आ जाएगा वो आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसको सोल्व करना आप आएगा 19.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझ में आ गया।